वेलकम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है पॉलिनोमियल्स पे हमारा लेक्चर कंटिन्यू है, तो आज के इस लेक्चर में अपना पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 जो टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको कवर करेंगे, और इसका थ्योरी एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज पॉलिनोमियल चैप्टर को फुल्ली कवर करके फिनिश कर सकते हैं आज। ओके, इसमें जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स ओरिएंटेड भी है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। बच्चों, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें जिसमें हमने इन सारे टॉपिक्स पे लेक्चर दिए हुए हैं, समझाने की कोशिश किया अच्छे से, तो उसको अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाने में रिलेट करेंगे और इजिली वी कैन अंडरस्टैंड। सो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस पॉलिनोमियल का सबसे पहले हमें जीरोज निकालना होगा और फिर जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशन दिखाना है। तो पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने का एक तरीका क्या है, यहां पे सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स को निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक्स का पॉलिनोमियल है, तो वी कैन राइट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इजली वी कैन राइट। अब देखिए इसका फैक्टर्स निकालना है, नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा है, स्प्लिटिंग मेथड यूज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। प्लस टू कॉमन निकाला, एक्स माइनस फोर। सो इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स कौन कौन आ गए, एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस टू। बच्चों यहां ध्यान दो, ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, जब इनके इंडिविजुअल फैक्टर्स जीरो हो जाएंगे। जब इनको इंडिविजुअली जीरो करोगे मींस एक्स माइनस फोर विल बी जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस फोर, और इस एक्स प्लस टू को जीरो करेंगे तो एक्स की एक वैल्यू होगी माइनस टू, और वही दोनों वैल्यू इसके जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के। सो द जीरोज विल बी, द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन एक्स विल बी क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर, सो फर्स्ट इज प्लस फोर एंड सेकेंड इज माइनस टू। सो ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये दो पॉलिनोमियल का जीरो निकाल लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन दिखाना है हमें, इट इज वेरी इजी। सो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सम हमें निकाला है फोर प्लस सेकेंड जीरो है माइनस टू, सो दोनों जीरोज का सम क्या हो जाएगा, देखो यहां पे फोर माइनस टू एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस टू। अब इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें पता है ये किसके बराबर होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफ ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहां वैल्यू रख दो सेम, देखो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस टू है, सो माइनस माइनस टू डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, सो यहां पे जो वैल्यू आएगा माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी टू। इस तरीके से हमने यहां वेरीफाई किया और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ओके, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो के साथ वेरिफिकेशन करना है, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लो एक बार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, फोर इंटू माइनस टू, सो दिस विल इक्वल टू माइनस एट। अब हमें वेरीफाई करना है क्या रिलेशन है कोफिशियंट के साथ इसका, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो रिलेशन है। इसमें कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, माइनस एट, सो वी विल राइट माइनस एट एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस वन, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सो लिख सकते हैं माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को भी वेरीफाई किया, ठीक है। इन दिस वे वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करना है आपको घर पे सेम वे, ठीक है, इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है सेम इसका, सबसे पहले फैक्टर फैक्टराइज करके इसका जीरोज निकाल लेंगे एंड देन वी विल वेरीफाई द जीरोज विद कोफिशियंट्स। सो ये पॉलिनोमियल इन यू है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, पी यू विल बी इक्वल टू फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू। ओके, अब देखो पॉलिनोमियल ऑफ यू में यहां पे 4u कॉमन निकाल दो, क्योंकि हमने बोला फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले, दोनों में 4u कॉमन है, सो निकाल लिया, क्या हो गया u प्लस टू। अब ये दोनों फैक्टर्स अगर इंडिविजुअली जीरो होंगे
तो ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। सो अगर फोर यू जीरो है, इसका मतलब यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यू आर क्या क्या हो जाएगा, एक तो वैल्यू हो जाएगा जीरो एंड दूसरा वैल्यू होगा इसका, दूसरा जीरो कौन सा होगा, माइनस टू। ठीक है, ये इसके दो जीरोस निकल के आ गए। सो अब इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सम क्या है, जीरो प्लस माइनस टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू। अब इसको वेरीफाई कीजिए, ये किसके बराबर है, ये पॉलिनोमियल यू का है तो क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोएफ ऑफ यू स्क्वायर। सो कोएफिशिएंट ऑफ यू कितना है, देखिए यहां पे 8, सो माइनस 8 एंड कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर इज 4। सो यहां देखो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, जस्ट टेक द प्रोडक्ट जीरो इंटू माइनस टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, इसमें क्या बोला था मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कांस्टेंट टर्म बाय कोएफ ऑफ यू स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, यहां देखिए कांस्टेंट टर्म इज जीरो एंड द कोएफ ऑफ यू स्क्वायर इज फोर, सो दिस विल बी जीरो अपॉन फोर इज जीरो, सो प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरीफाइड। इन दिस वे वी हैव टू अप्रोच सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है, इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा डिफरेंट है बस। ये क्या है, पॉलिनोमियल इन टी है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ टी इज टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, अब मैं बताऊं इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों आपको पता होगा एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी प्लस अंडर रूट 15 इंटू टी माइनस अंडर रूट 15। सेम इसी का अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये, टी स्क्वायर माइनस 15। सो बच्चों इसका फैक्टर्स इंडिविजुअली जीरो करेंगे तो इनका जीरो निकल आएगा। सो लिख सकते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन टी आर प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15। ये इसके दो जीरो आ गए, ठीक है। अब इनको वेरीफाई करना है, हाउ टू वेरीफाई, वी विल वेरीफाई सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू टेक द सम दिस इज जीरो। वेरीफाई कैसे करना है हमें, माइनस कोएफ ऑफ, ये टी का पॉलिनोमियल है तो वी विल राइट कोएफ ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। सो वैल्यू पुट कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ टी है यहां पे कुछ, कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, वन। सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो बाय वन इज जीरो, ये सब वेरीफाई हो गया। ओके, नाउ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जस्ट मल्टीप्लाई इट इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस 15। ओके, अब इसको चेक करते हैं, क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके, सो विल चेक कांस्टेंट टर्म माइनस 15 and coefficient of t square is 1. So minus 15 is equal to minus 15. In this way, we have verified the product of this quadratic polynomial. Okay? In this way, we have to approach such questions and solve. ठीक है? अब बच्चे, इस part में देखिए क्या है? यहाँ देखो, you find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zero respectively. ये sum of zeros दिया है and products of zeros की value दिया हुआ है. हमें निकालना है इन जीरोस को यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम,
द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, कैसे निकालते हैं हम उसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है अंडर रूट टू, सो वी विल राइट अंडर रूट टू इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या दिया हुआ है वन अपॉन थ्री। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं फिर, थ्री एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री। यहां भी इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, और यू कैन राइट पी एक्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इक्वेशन में, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा इसका, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, ये हो गया इसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये भी जो है इसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन भी सेम है इसके, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसको ये वेरीफाई कर रहा है ये भी, ठीक है। तो इन दिस वे दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब दूसरा इसमें पार्ट है जीरो और रूट फाइव है, उसको लेके अब पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करेंगे। सो क्या है, जीरो एंड अंडर रूट फाइव, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है अंडर रूट फाइव, सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या दी है जीरो, सो जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दिया है अंडर रूट फाइव। सो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो पार्ट हो गया मिडिल पार्ट, सो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट फाइव। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर दिस पार्ट। ओके, इन दिस वे बच्चों हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बस इसके और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, पूरा पॉलिनोमियल कवर हो गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू ऑल।